हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि JSSC JEE का आंसर की आ चुका है और आप लोग सभी ने आंसर की मिला ली है, अपना अपना नंबर भी चेक कर लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबको पता होता है कि सिलेक्शन होने का चांसेस कितना है और कब है और कितना नंबर पर होने वाला है, ठीक है। और कटअप भी देख लिए होंगे आप लोग शायद, और उसी के अकॉर्डिंग आसपास कटअप रहने वाला है, बस 5-10 आगे पीछे होगा, वो डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पर। नॉर्मलाइजेशन का खेल किस तरह करेगा वो किसी को पता नहीं होता, ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें देखा जा रहा है कि काफ़ी क्वेश्चन जो है JSSC की तरफ से काफ़ी गलत दिया गया, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जेक्शन के लिए भेज सकते हैं, ताकि उस क्वेश्चन का करेक्शन करके आपका नंबर बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो चलिए आप लोग मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं आप लोग और कैसे और कब तक कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि यदि कोई JSSC की तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले यूट्यूब पे हम अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने के लिए। और दोस्तों, यदि कोई भी एग्जाम की तैयारी करें JSSC का, खास करें कोई भी एग्जाम का, जैसे CGL स्पेशली फॉर CGL का, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्वेश्चन का, करते थे। अभी बीच में भी थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि वहाँ पर हम क्लास अभी नहीं ले पा रहे, क्योंकि घर आए हुए थे इसीलिए नहीं हो पा रहा अच्छा से। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़िए, जैसे मैं वहाँ पर पहुँचूंगा तुरंत क्लास लेना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस करते तो शानदार तरीके से, कभी JSSC प्रीवियस भी शेयर करते हैं, झारखंड जी के करते हैं, सेंट्रल जी के करते हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल के साथ करते हैं। देखिएगा, यकीन मानिए, यदि आप हमारे चैनल के जुड़ते हैं और जितना भी वीडियो डालते हैं CGL का, आप लोग देख के जाइएगा तो आराम से 90 क्वेश्चन में से आराम से 70 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाइएगा, आसानी से देख लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। इसलिए अभी भी बोल रहे हैं, लेट ज़्यादा नहीं हुआ, अभी नहीं जुड़े होंगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, तो हमारे उसके लिए करना कुछ नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। किस पर जुड़ना है? टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? JSSC वाला। JSSC लिखिएगा, फिर बीच में गैप नहीं देना है, लगातार लिखना, ठीक है। जो चैनल, जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है JSSC वाला, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम को, वहाँ जुड़ जाएगा, हर चीज़ का वहाँ अपडेट देते रहते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए मैं बताने वाला हूँ कैसे क्या करते हैं, ठीक। चलिए, रॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कैसे करें। देखिए दोस्तों, करना कुछ नहीं, आपको पहले क्या करना है, JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। कहाँ पे जाना है? JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पे ऐसे करके खुलेगा, ठीक है। खोलिएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, आंसर कैसे लिखेगा, और ये ग्रीन कलर दिखेगा डब्बा टाइप का, रीड मोर यहाँ देख सकते हो, नीचे आप लोग लिखेगा, उसके नीचे क्या होगा, जैसे रीड मोर यहाँ पे देखिएगा, व्यू यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा, यहाँ दिख नहीं रहा है, व्यू ऑल क्या रहेगा यहाँ पे, ऐसे करके व्यू ऑल रहेगा लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा व्यू ऑल पर, तो व्यू ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो व्यू ऑल पर जब क्लिक करिएगा ना, तो कैसे खुलेगा देख ले, ऐसे करके फॉर्मेट बनेगा, यहाँ पे देख लेते हैं, रीड मोर यहाँ नीचे दिख रहा है, यहाँ पे नीचे व्यू ऑल बॉक्स बना होगा, यहाँ से करके उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये चीज़ ऐसे खुलेगा, कैसे खुलेगा, ये से देखे ऐसे खुलेगा, देख सकते हैं आप लोग, व्हाट्स न्यू टाइटल ऐसे करके लिखेगा आप लोग, इसको स्क्रॉल कीजिएगा पूरा, तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा, देखिए लिंक फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑन टेंटेटिव आंसर की ऑफ JDLCC, वही है डिप्लोमा एग्जाम हुआ उसी का, जो हुआ 23 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर उसी का है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा जब ने आप लोग ने, तो क्लिक करने के बाद क्या खुलेगा यहाँ पे, देखा क्लिक जब कीजिएगा इसको, तो ये खुलेगा ऐसे करके, देख ऐसे खुलेगा, ठीक है। लिंक फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑन टेंटेटिव आंसर की, ऐसे खुलेगा। इसको आपको करना क्या है, इसको यहाँ खुलने के बाद क्या करें, डिटेल में जाइएगा, कहाँ पर जाइएगा, डिटेल में, डिटेल में जब जाइएगा ना, इसे डिटेल पे जाइएगा, तो एक लिंक आएगा, वहाँ लिखेगा JSSC.NIC.IN.SE, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है, इसको डिटेल करने बाद आपको ओके कर देना, ओके करने के बाद क्या आएगा, ओके करने के बाद ये ला खुलेगा, लोग ओके कर दीजिएगा ना, तो ये ला पासवर्ड खुल जाएगा आपको, यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालिएगा और कैप्चा डालिएगा, तो आपको लॉगिन करने खुल जाएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन जाएगा उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन को सेलेक्ट करके अब ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया, को सिंपल स्टेप बता दिए, एक बार फिर से बता देते दोस्तों, ताकि जिन्हें प्रॉब्लम होगा कुछ नहीं करना, देखिए करना कुछ नहीं है, JSSC के ऑफिस JSSC मारना है गूगल पे, आ जाएगा खुल के, इस तरह खुल के आएगा, ऐसे बनेगा बॉक्स, देखिएगा, फिर देखिएगा यहाँ नीचे रीड मोर जो है, और नीचे देखिए व्यू ऑल करके ऑप्शन एक होगा, देखिएगा मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जहाँ भी खोलिएगा, व्यू ऑल होगा, उसको क्लिक कीजिएगा, उसको क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्लिक करने के बाद इस टाइप का खुलेगा, इस टाइप का खुलेगा, तो पहला जो लाइन लिखा हुआ है लिंक फॉर सबमिटिंग, उस पर क्लिक करिएगा, इसको क्लिक करने के बाद क्या खुलेगा, क्लिक करने के बाद ये खुलेगा, देखिए लिंक फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑन टेंटेटिव आंसर की, इतना यही खुलेगा। उसके बाद आपको क्या डिटेल्स में टिक करना है, डिटेल्स में जैसे ही टिक कीजिएगा ओके का बटन दबा दीजिएगा, ओके बटन दबाने के बाद ये चीज़ आपका खुल जाएगा, आईडी पासवर्ड डालिएगा और अपना जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, लॉगिन करके खोल के, ठीक। तो ये छोटा सा स्टेप रहा था दोस्तों, कमेंट आ रहा था कि क्वेश्चन काफ़ी गलत दिया हुआ है, उसको कैसे क्या करें, ऑब्जेक्शन कैसे करें, तो ये स्टेप दिया हुआ है इसे आप लोग कर दीजिए, काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, 4-5
तीन तीन चार चार क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, जैसा कि लोगों का कहना है। बाकी पता नहीं कितना क्या देखे तो नहीं है क्वेश्चन को, लेकिन कर दीजिए, उसमें क्या होगा आपका नंबर काफ़ी बढ़ जाएगा। तीन क्वेश्चन गलत दिया है, समझ रहे, तीन एक क्वेश्चन तीन नंबर, तीन तीन नौ दस नंबर का फासला देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग कीजिए, ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा कीजिएगा दोस्तों, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे बात को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हर चीज़ का अपडेट पाने के लिए सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पे JSSC का हर छोटा से बड़ा अपडेट सबसे पहले दिया जाता है YouTube चैनल पे दोस्तों। और तैयारी भी करवाया जाता है, तैयारी यहाँ पे थ्योरिटिकल नहीं होता है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी शानदार शानदार तरीके से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, इसलिए अभी तक नहीं जुड़ेंगे तो जुड़िए जितनी जल्दी हो सके तो। ठीक दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।